नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे आंवले का अचार। तो सबसे पहले इसके औषधीय गुणों के बारे में जानते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी और आयरन होता है। आंवले का जूस पीने से हमारा पाचन तंत्र दुरुस्त होता है। इसके जूस को पीने से बालों की सफ़ेदी रुक जाती है और इसमें शहद मिलाकर पीने से खून साफ होता है और त्वचा में निखार आता है। हृदय के रोगियों के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है और ये हमारे पेशाब की जलन को भी दूर करता है। डायबिटीज़ को भी ये कंट्रोल करने में बहुत सहायक है। हमारे कब्जियत को दूर करके ये भूख की कैपेसिटी को ये बढ़ाता है। चेहरे में अत्यधिक ग्लो लाता है और खून की सारी बीमारियों को ये दूर कर देता है। आज हम आंवले का अचार बनाएंगे बड़े ही सिंपल तरीके से। तो चलिए अब आंवले का अचार बनाना शुरू करते हैं। ये हमने आधा किलो आंवला लिया है। अब हम इसके गूदों को इसके बीजों से इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके अलग कर लेते हैं। आधा किलो आंवले का अचार बनाने के लिए हम यहाँ सरसों के दाल और तिल और मेथी एक एक कटोरी लेंगे। स्वाद के अनुसार नमक, मिर्च और हल्दी और एक छोटी चम्मच हींग ले लिया है हमने। और इन सभी चीज़ों को, तीनों प्रकार की चीज़ों को, सरसों के दाल को, मेथी को और तिल को हम भूनेंगे। चलिए थोड़ा थोड़ा भूनना इसमें शुरू करते हैं। ये हम इसको चटकने तक बहुत अधिक नहीं भूनेंगे, हम इसको थोड़ा थोड़ा भूनेंगे। उसके बाद हम इसको मिक्सी में चलाएंगे और दरदरा पीसेंगे। ये हमारी तिल भून गई है, ये हमारा मेथी है, इसको भी हम हल्का हल्का रंग बदलने तक भूनेंगे। ये भून गया है, अब इन दोनों चीज़ों को हमने मिला दिया। अब यहाँ पे हम सरसों के दाल को भूनेंगे। ये बिना छिलके के सरसों का दाल है और इसको हमने भून लिया। इसको भी अलग करके निकाल लिया। तीनों को मिक्स करके हम इसको दरदरा मिक्सी से पीसेंगे। हमने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है। हमने उसके आंवले के गूदों को अलग कर लिया है बीजों से। हम उसको थोड़ा सा तेल में इसको भूनेंगे। इसको तेल में हमको पकाना नहीं है, बिल्कुल तेल को चारों तरफ फैलाना है, इस तरह से इसमें पूरे तेल समा जाए। ये देखिए तेल चारों तरफ से भीग गया है। इसको हम थोड़ी देर के लिए और रखेंगे। उसके बाद हमने जो मसाले यहाँ पर क्रश किए थे मिक्सर से, उसको हम इसमें डालेंगे। सभी मसालों को हम इसमें धीरे से डाल देंगे। ये मसाले से बहुत ही स्वादिष्ट बनाने वाले हैं। ये हमने डाल दिया है और फिर इसको मिलाएंगे। इसको मिलाने के लिए हम इससे पहले हींग डाल देते हैं। हींग डालने के बाद हम इसमें स्वाद के लिए मिर्च पाउडर डाल देंगे। मिर्च से इसका स्वाद बड़ा ही अच्छा आता है। ये तीखा नहीं है, कश्मीरी मिर्च है, इसको हम थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डालेंगे। ये 3 चम्मच मिर्च है, इसको हमने अच्छे से मिला लिया। अब इसमें हम नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। इन सभी चीज़ों को अब हम चम्मच की सहायता से मिला देंगे। मिलाने के बाद ये हमारा अचार बनके तैयार है। आप इसे कंटेनर में भर के साल भर तक खा सकते हैं। ये इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला और बहुत ही ताकत देने वाला है। आंवला, जैसा कि मैंने पहले कहा, सर्वगुण संपन्न है। ये इसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, आंवला लेना है, उसको काटना है, आंवलों को तेल में चलाते हुए सभी प्रकार के मसाले डाल करके अच्छे से चलाना है। ये हमारा आंवला का अचार बनके तैयार हो गया है। तो आप भी इसे बनाइए, खिलाइए और मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।